देखे तो आज सुबह सुबह पवन सिंह और सौम्या पोखरेल का एक गाना का शूटिंग कंप्लीट किया गया, और गाना का शूटिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद सौम्या पोखरेल अपने ऑफिशियल आईडी से एक फ़ोटो को शेयर करते हुए कहती है कि पवन सिंह के साथ में हमारा गाना आ रहा है और गाना को शूट कर लिया गया है। उसके बाद पवन सिंह के फैंस के पास जैसे ही ये तस्वीर पहुंचता है, पवन सिंह के फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पवन सिंह के फैंस पवन सिंह के पास जा करके भर भर के कमेंट करने लगते हैं कि पवन भैया को सौम्या पोखरेल के साथ में गाना नहीं करना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, पवन सिंह के जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं, पवन सिंह के बारे में जो न्यूज देते हैं, उनके वीडियो के भी कमेंट में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि पवन भैया को मना कीजिए, सौम्या पोखरेल के साथ में गाना नहीं लाना चाहिए। यहां तक कि हमारे वीडियो में भी बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था। लेकिन दोस्तों, कहा गया ना कि एकता में बहुत ज्यादा बल होता है, और जैसे ही हम लोग एकजुट होकर के ये कदम उठाए, पवन सिंह के पास ये मैसेज पहुंच गया। और उसके बाद पवन सिंह ने अभी अभी ऑफिशियली एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या लिखे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से पवन सिंह ने कहा है कि मैं अपने ऑडियंस रूपी भगवान को कभी भी निराश नहीं कर सकता हूँ, जो आप लोग कहोगे उसी प्रकार का काम किया जाएगा। मतलब कि साफ साफ पवन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सौम्या पोखरेल के साथ में गाना नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा 100% लिख लो, गाना शूट हो गया है लेकिन फिर भी वो गाना को डिले कर दिया गया है, गाना अब नहीं रिलीज होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि पवन सिंह के तमाम फैंस के पास ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।